लोकसभा चुनाव पर मायावती का बड़ा ऐलान और अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीएसपी। ये मायावती की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और ये ऐलान किया है कि बीएसपी अकेले लोकसभा में चुनाव लड़ेगी। धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है, ये मायावती की तरफ से कहा गया। क्योंकि अब लगातार इससे पहले अगर देखा जाए तो कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है मायावती, लेकिन अब उन सभी जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो संभावना जताई जा रही थी, सभी को दरकिनार करते हुए यहां पर मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अकेले ही लोकसभा चुनाव बीएसपी लड़ेगी। और जो ये धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है वो भी उसके ऊपर भी बयान देते हुए नजर आई। तो लोकसभा चुनाव पर ये मायावती की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। चाहे हम बात अन्य दलों की करें, पार्टियों की करें, तो सभी इस बीच अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी तरह से कोई भी कोर कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चाहे हम बात इंडिया गठबंधन की कर ले, बीजेपी की कर ले या अन्य दलों की कर ले, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि मायावती को मनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जो इंडिया गठबंधन में कई दल शामिल हैं उनकी तरफ से कोशिशें भी की गई, लेकिन यहां पर मायावती ने अब साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहां गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। तो इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस तरह से देखा जाए कि अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जिस तरह से एक्टिव मूड पे नजर आ रही है और जहां इस बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मायावती यहां पर इंडिया गठबंधन से जुड़ सकती है, इंडिया गठबंधन को मायावती का साथ मिल सकता है, लेकिन अब सभी कयासों पर पानी फेरते हुए मायावती की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि बीएसपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो मायावती लोकसभा चुनाव में हमेशा अकेले ही दिखाई देती हैं। पिछली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ में इन्होंने जो है मिलकर के चुनाव लड़ा था, जिसमें काफी सीटें मतलब पाई थी बीएसपी पार्टी। तकरीबन 10 सीटें उत्तर प्रदेश से इनको हासिल हुई थी और उसके बाद अब फिर से लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो आज मायावती का बर्थडे के ओकेजन पे जो इन्होंने आज अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साफ कहा कि ना ही ये इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, ना ही वो किसी के साथ चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी पार्टी अकेले ही चुनाव लोकसभा का लड़ेगी। मतलब साफ है कि बीएसपी पूरी तरीके से लोकसभा में जिस तरीके से पिछली बार 10 सीटों की जो बढ़त थी इनको खासतौर पर, इस बार उससे ज्यादा बढ़त सोच करके अपने चुनाव में कैंडिडेट्स को जो है चयन करके आगे उतारेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आकाश अब जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं सभी दल इस बीच एक्टिव मूड पे नजर आ रहे हैं। अगर बात मायावती की करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोशिश पूरी की गई और अन्य दलों ने भी यहां पर मायावती को बीएसपी को साधने की कोशिश की, लेकिन अपफ्रंट होते हुए मायावती की तरफ से साफ कर दिया वो किसी भी दल में शामिल नहीं होंगी, वो अकेले ही खड़ी थी, अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने अभी कुछ पहले एक पैनल बनाया हुआ है और साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनको जो है उन्होंने साफ तौर पर बोला भी हुआ है कि जिस तरीके से जो है सीटों का बंटवारा करना है उसका जो है प्रक्रिया वो शुरू कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है लोकसभा चुनाव के घोषणा में, क्योंकि मार्च के पहले वीक में जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि घोषणा की जा सकती है, तो इससे पहले चयन करके और सीटों का चयन कर लिया जाए कि कहाँ पे कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और कहाँ समाजवादी पार्टी। अगर इसमें भी सारी चीजों को लेकर के अगर आगे बात नहीं बनती है तो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी भी दूर, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये बखूबी पता है कि अकेले लड़ने में उनकी कितनी ताकत है और साथ में लड़ने में उनको कितनी ताकत मिलेगी, ये रुक करके देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वक्त अगर बात करें तो अगर इंडिया गठबंधन के लोग आपसी तालमेल में जिस तरीके से चल रहा है और सीटों के बंटवारों को लेकर के अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो ये सारी पार्टियां अलग पाड़ करके नजर आएंगी और अकेले ही चुनाव लड़ने की जो है जो उम्मीदें हैं वो साफ तौर पे दिखाई देने लगेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जिस तरह से आकाश देखा जाए सहमति तो नहीं बन पा रही सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि कांग्रेस जितनी सीटें मांगने को तैयार है उतनी सीटें, चाहे हम बिहार में बात कर ले या फिर बंगाल में बात कर ले, उतनी सीटें मिलने के लिए उतनी सीटें नहीं दी जा रही, क्योंकि पिछले जो विधानसभा
5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिस हिसाब से नतीजे सामने आए थे उसको मद्देनजर रखते हुए अब उतनी सीटें कांग्रेस को नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाती है तो यहाँ पर सभी दल अलग अलग बिखर जाएंगे। और क्या फिर एक ये अहम वजह मान सकते हैं कि पहले से ही मायावती इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है और अकेले ही जो एकला चलो की नीति है वो अपना रही है? देखिए, बीएसपी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि वो हमेशा अपना फायदा देख करके आगे चुनाव में डिक्लेरेशन करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो क्षेत्रीय में सबसे दूसरे नंबर पे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ भाजपा के बाद में दूसरे नंबर की पार्टी है। नेता विपक्ष के तौर पे भी अखिलेश यादव यहाँ पर हैं और कई विधायक हैं इनके, और उत्तर प्रदेश में जो है एक अच्छा वोट बैंक है, तो ऐसे में सीटों के अगर चयन को लेकर के तकरार होती है तो कांग्रेस अगर ज्यादा की मांग करने की कवायद में लगी हुई है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने उतारने के लिए दी जाए कैंडिडेट्स को, उसमें समाजवादी पार्टी की जो अंदर खाने से खबर है वो तैयार नहीं है। इतनी सारी चीजों को लेकर के अखिलेश ने अपने शुरुआती दौर में उनको एक चिट्ठी लिख करके ये बता दिया है कि जो भी सीटों का चयन है वो जल्द से जल्द कर ले, जिससे कि वो अपनी आगे की तैयारी कर सके, क्योंकि आने वाले समय में जो चीजें नहीं बनती आपस में दिखेगी तो वो अकेले जाकर के चुनाव लड़ सकती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उसको मतलब है, बाकी राज्यों में वो भले कांग्रेस का समर्थन करे या उसका साथ दे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।